आर्म्स एक्ट के अपराध में विगत 6 वर्षों से फरार स्थायी 3 वारंटियों को मनासा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इन 3 फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक नीमच श्री मनोज कुमार राय द्वारा अधिक से अधिक फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं, जिसमें इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री SS गणेश, SDOP महोदय मनीषा, श्री संजीव मूले के नेतृत्व में थाना प्रभारी मनासा व उनकी टीम ने आर्म्स एक्ट के अपराध में विगत 6 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी मनासा KL दागी ने बताया कि थाना मनासा के प्रकरण और आर्म्स एक्ट में विगत 6 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी प्रीतम पिता सूरजमल बंजारा उम्र 26 वर्ष निवासी पानमाता थाना मनासा और सरदार पिता गोरेलाल बंजारा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पानमाता और आरोपी कमलेश पिता सूरजमल बंजारा उम्र 27 साल निवासी ग्राम पानमाता थाना मनासा को मनासा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी फरार वारंटियों को हर संभव प्रयास कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें आज थाना मनासा को 3 स्थायी वारंट जो पिछले 6 सालों से फरार चल रहे थे उनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मनासा टीम ने आज प्रीतम बंजारा, सरदार बंजारा और कैलाश बंजारा जो पानमाता के रहने वाले हैं इनको गिरफ्तार किया है। तीनों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर रहे हैं। और भी जो फरार है इनके लिए हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही है और अभी तक करीब हम 15 स्थायी फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इनमें अवैध हथियार और मारपीट का अपराध दर्ज थे, जिनमें पिछले 6 साल से फरार चल रहे थे, जिनको भी टीम ने आज पकड़ा है। KNN न्यूज़ के लिए मनासा से मनीष चोलान्या की रिपोर्ट।